मैंने उस महिला से पूछा, मैंने कहा कहाँ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने, क्योंकि वो एकदम साफ स्पष्ट उसने जो बात कही, बड़ी काम की बात कही, बोले पहली समस्या तो ये है कि ये अपने कोर्ट में तो जज हैं ही हैं, हमारे घर में भी जज हैं, यहाँ जज बन के आते हैं, इनको लगता है कि यहाँ भी हम जो है हाथ बांध के खड़े रहेंगे, जी हुजूरी करेंगे। घर में तो आप घर वाले बनो ना, घर में आप हाथ बटाओ ना, हमारी संवेदनाओं को समझो तो सही, अपने बच्चों के साथ वैसे बैठे तो सही, हमारे साथ थोड़ी देर वैसे बात तो करो। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो अभी भी कोर्ट में बैठे हुए हैं। और वो सज्जन इशारा करें उसको, उधर से हाथ दबाएं। और मैंने कहा भैया अगर मेरे पास आए हो तो इन्हें बोलने दो, बीमारी यहीं से है, आपको स्वभाव चेंज करना पड़ेगा। हमारे घरों के बाहर, घर में प्रवेश करते हुए पहले ड्योढ़ी बनाई जाती थी, एक लकड़ी ऊंची रखी जाती थी, ध्यान है ना आप लोगों को ड्योढ़ी का? क्या हमारे पूर्वजों को जो है वो हमारा आर्किटेक्चर गड़बड़ था क्या, कि लकड़ी ऐसी ऊंची कर लांग करके, ड्योढ़ी लांग के जाना होता था? वो एक झटका देने के लिए थी कि बाहर की बात बाहर रह जाए, घर प्रेम का मंदिर है, या प्रेम वाले लोगों का प्रवेश होगा। आप अपना तनाव और आप जो कुछ बाहर है वहां रहिए, यहाँ घर में नहीं, घर में अलग रूप लेकर आइए। वो झटका लगे, वो सीमा रेखा है, यहां से बाहर अलग दुनिया, यहां तुम्हारे प्रेम का मंदिर, तुम्हारे सपनों का मंदिर, यहां तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, ये संवेदनाओं का संसार है, यहां दिमाग नहीं दिल लेकर प्रवेश करो। वो जो एक शायर ने लिखा ना, सूफियों के जो कलाम होते हैं उसमें एक बात आती है कि भाई तुम भगवान की तरफ जाना चाहते थे तो रास्ता कौन सा? तो लिखा कि तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत आसान था रास्ता दिल का, कि तुम प्यार के रास्ते से तो आते हैं, तो बहुत जल्दी मुझ तक पहुंच जाते हैं, तुम तो दुनियादारी के हिसाब किताब न जाने क्या क्या करते करते दिमाग लगाते हुए आए हो, इसलिए देर लग गई भाई, नहीं तो भगवान की राह में तो दिल के रास्ते से आते, प्रेम के रास्ते से आते तो इतने जन्म लगने वाले थे ही नहीं, ये तो बहुत जल्दी काम हो जाता। बस ऐसे ही आपके घर में भी है, घर में भी जो है कोई भी बात को आप कितना भी दिमाग लगा के, तर्क वितर्क लगा के समझाओ, प्यार के दो बोल कहने के बाद जो बात बन जाती है वो बड़े बड़े बातों से नहीं बन पाती। इसलिए जब आप किसी को माफ कर देते हैं और किसी से माफी मांग लेते हैं, यहां बड़प्पन आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह बड़ा प्यारा संदेश दिया, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस संदेश को साधारण मत समझिए। देखिए, रिश्तों को अकड़ रख करके तोड़ लेना बेहतर नहीं है, झुक करके निभा लेना सबसे बेस्ट चीज है, बेहतर चीज है, कि आप जो है झुक कर मान कर एक दूसरे को सम्मान देकर निभाएं और बढ़ाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द कहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको इस तरह से आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम लोग प्रभु की ओर जाना चाहते हैं तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारा रास्ता सीधा यही होना चाहिए कि हम अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करें। वो चेंज क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात उन्होंने कही कि बैर रहित होकर जिए। दूसरी बात कही है अपनापन, सखा भाव। तीसरी बात कही दुखी दीन पीड़ित लोगों के प्रति करुणा का भाव।
वो कैसी करुणा रहनी चाहिए, अगर इसको समझना चाहते हैं तो मुझे एक माँ और उसका बेटा याद आता है, बंगाल की धरती का एक बहुत प्यारा बच्चा था जिसने बंगाल की जमीन को गरिमा प्रदान की, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत करुणावान। न जाने माँ ने उसे किस तरह के संस्कार देकर पाला था, अपने बेटे के दिल में करुणा पैदा की। कोट बना के दिया गया था एक सर्दियों के दिनों के लिए, गरीब परिवार था, और बच्चा स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाते जाते उसने पुल के नीचे एक भिखारन महिला को और उसके बच्चे को, नवजात बच्चा था, उसको सर्दी में कांपते हुए, ठिठुरते हुए, रोते हुए देखा। बच्चे ने अपना स्कूल बैग पुल पर रख दिया और नीचे उतर गया, वहीं जहां वो महिला और उसका नवजात बच्चा था, और जाकर वो अपना कोट आधा तो उस बच्चे के शरीर पर डाला और आधा उस माँ के शरीर पर, और उसके बाद वो बच्चा चुप हो गया, रोता हुआ नवजात बच्चा, और उधर वो माँ हिल नहीं पा रही है, विकारण महिला थी, नीचे जमीन पर लेटी हुई उस नाले में, सूखा नाला था। तो उसने उस स्कूल वाले बच्चे की तरफ देखकर, ईश्वरचंद विद्यासागर की तरफ देखकर कुछ बोली नहीं, बस तसल्ली वाली दृष्टि रखकर उसकी आंखों से उस बच्चे की तरफ, जैसे कोई आशीर्वाद देता है ना, जैसे किसी अपने को देखता है कोई, या किसी ऐसे दूत को देखता है, भगवान का कोई दूत होता है। आप अपने ग्रंथों को पढ़िए जहां भगवान ये कहते हैं कि मैं निराकार हूं और इस दुनिया में अपना रूप प्रकट करने के लिए किसी को मैं चुनता हूं, जिसके हृदय में दया देखता हूं उसे दया करने के लिए प्रेरित करता हूं, और वो मेरे हाथ होते हैं जो वो अपने करुणा के द्वारा दूसरे को छूता है और उसका सहारा बनता है, और लोग याद करते हैं भगवान का रूप है कोई। किसी के दिल में वो दान की भावना देखता है ना, तो भगवान उस समय ये कहता है कि मैंने तुम्हें दिया ना, तू जा और जाकर ये बड़ा काम कर। वो भगवान की प्रेरणाएं होती है। अब इस बच्चे ने अपना कोट वहां दे दिया और ठंड में वैसे ही अपना स्कूल का बैग, अपना बस्ता कंधे पर डाला और पढ़ने के लिए चला गया। और पढ़ के जब लौटा तो घर में आते ही माँ ने कहा, कोट कहाँ गया? अब बच्चा कुछ बोला नहीं, कहाँ गिरा कर आया, बड़ी मुश्किल से बनवाया था। अब माँ ने भी डांटा, पिता ने भी थप्पड़ वगैरह लगा दिए। अब मां एक शब्द कह दी उसे, तुम्हारी पिटाई लगी तुम्हें दर्द नहीं होता? अब पिता पूछता है, फिर कहां डाला वो कोट? तो ये कहता है कि एक विकारण महिला थी, ऐसी ऐसी हालत में थी, मैंने उसको दे दिया ये। अब ये दोनों के दोनों गुस्से में, हम तो पहले गरीब हैं तो इस घर में कहां से इतना दयालु पैदा हो गया? तुमने तो दूसरे पर दया कर दी, तुम्हारे ऊपर कौन करेगा? खुद को भी उस गरीब की जगह लाकर खड़ा कर रहे हो। जो जो शब्द बोले जा सकते थे सब बोले गए। अब मां ने बच्चे के कान के पास ले जाके ये कहा कि बेटा ये बता, इतनी मार लगी तुम्हें, पिटाई लगी, दर्द नहीं होता तुम्हें? और समझ में भी नहीं आ रही, ये भी नहीं कहा कि आगे से नहीं करूंगा ऐसा,
और बच्चा क्या कहता है, वो इस शब्द याद करने योग्य है। उसने कहा, माँ तुमने मारा, पिता ने भी मारा, उतना दर्द नहीं हुआ था जितना उस महिला को तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में दर्द हुआ था, वो दर्द बहुत ज्यादा था। तुम्हारी मार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन किसी की चीख, किसी का रोना, किसी के आंसू, किसी का अभाव, वो बर्दाश्त नहीं होता। अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर उस माँ ने कहा, तो किस मिट्टी का बना है बेटा? ऐसा बेटा हर माँ को भगवान दे। सोचिए, ये संवेदना सिखाई जाती है ना। मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी ना, उसमें उस एक बच्चे की कहानी लिखी जो मेले में गया था, माँ से थोड़े से पैसे लेकर, गरीब माँ ने अपने पल्ले में दो आने बांधे हुए थे और उससे वो बच्चा मेले में गया। माँ ने सोचा था मिठाई खाएगा, खिलौने लेकर आएगा, और वो जब लौटा था तो हाथ में एक चिमटा लेकर आया। माँ ने पूछा, ये क्या है? बोला, माँ जब तू खाना बनाती है, चूल्हे में हाथ डालती है, तो कितनी बार तेरा हाथ जल जाता है, मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। तो माँ कहती है, तुझे अपने खेल खिलौने याद नहीं आए? बोले, माँ खेल खिलौने से तो मैं थोड़ी देर खुश रह सकता था, लेकिन तेरा हाथ नहीं जलता ना, और तू ठीक रहे तो मैं ये समझूंगा मेरा चिमटा ही मेरा खेल खिलौना, इससे बढ़कर तो मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर कहती है, देख बेटा जैसा तू आज है ना, ऐसे बड़े होके भी रहना। अपनी माँ के दर्द को और उसके हाथ के छालों को आज तू समझता है तो बड़ा होकर भी समझना, और सिर्फ माँ के ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी पीड़ित हो तो सबके दर्द को अपना दर्द समझना, इससे भगवान प्यार करते हैं, इसे करुणा कहा उन्होंने। आप जरा सोच के देखिए, हम लोग धार्मिक लोग पूरी दुनिया भर में हैं, लेकिन हमारी धार्मिकता कहाँ चली गई है? जब लोग एक दूसरे के घरों को जलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हमारी धार्मिकता कहाँ चली जाती है उस समय? हम तो समझ नहीं पाए अभी तक धार्मिकता है क्या चीज। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो हमें सिखाया समझाया वो बड़ा अद्भुत है, और इसको अमृताष्टकम कहा गया। ये भगवान के आठ अमृत हैं, आठ श्लोक जो है वो अमृत है। बहुत प्यार से सुनना, समझना, सीखना भी चाहिए, और जो पालते हैं ना अपने बच्चों को, मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा वो बने, देखिए कुछ भी बन जाए लेकिन वो करुणावान होना चाहिए, वो क्षमी होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम हो, अपने देश का भी, मानवता से भी प्यार हो, वो सहयोगी बने, वो वीर पुरुष बने, इस धरती के लिए कुछ करके जाए। माँ बाप का नाम रोशन करे ना करे, लेकिन जिस जमीन में वो पलकर बड़ा हुआ है उस धरती माता का नाम ऊंचा करे, ऐसी भावना दो ना अपने बच्चों को। ये जो संस्कार दिए जाते हैं ना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। स्कूलों की एजुकेशन अपना काम कर रही है, लेकिन घर का संस्कार, घर की जो मॉरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा, उसकी जिम्मेदारी भी तो हम लोगों की है। अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, और जब तक वो टीन एज तक पहुंचते हैं तब तक बहुत कुछ, क्योंकि गीली मिट्टी होती है, कुमार उस समय बहुत कुछ उनका रूप बदल सकता है। जैसे जैसे वो आकार ले लेगा और धूप में जो है मिट्टी सूख जाएगी,
टीन एज खत्म होने के बाद तो समझ लीजिए जैसे आग में पका हुआ कुम्हार का बर्तन होता है ना, कि टूट भी जाएगा लेकिन जो निशान बन गए वो कभी नहीं हटते। तो माँ का बेटा जब तक है ना, माँ उसे समझा के खिला लेती है, पिला लेती है, बैठा लेती है, क्योंकि उसी समय बहुत कुछ किया जा सकता है। एक समय होता है 7 साल तक का, उसके बाद 7 से 7 तक का एक समय है, और फिर 14 से 7 और मिला लीजिए 21 तक का समय, जो हमारे भारत का मनोविज्ञान कहता है, वो ऐसे कहता है कि व्यक्तित्व संरचना के लिए ये समय काम आता है। तो विषय ना बदले हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है ये एक श्लोक मैंने सुनाया आपको, इस पूरे एक श्लोक पर आप फिर से दृष्टि डाल लीजिए कि बैर रहित हो जाएं, प्राणी मात्र के प्रति हमारा प्रेम हो, मतलब हम किसी के प्रति भी दुनिया में न किसी वस्तु न किसी व्यक्ति कहीं पर भी कोई बैर न रखें, और उस बैर को हम प्रेम में बदल दें, क्योंकि बैर जो है भगवान की भक्ति में बाधा है, और सखा भाव अपना कर चलें। उसके बाद भगवान ने कहा करुणा एव च, करुणा होनी चाहिए, निर्ममो, और हम वस्तुओं के प्रति आसक्ति अटैचमेंट को हटाकर ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वस्तुएं प्रयोग के लिए मिली हैं, उनमें अपने प्राण ना बसाएं, उनके टूटने पर हम ना टूट जाएं, उनके छूटने पर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन गया हो। संयोग वियोग के इस संसार में चीज़ें मिलेंगी, बिछड़ेंगी, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन आपको नहीं टूटना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि अहंकार रहित होकर दुनिया में जिए, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा बाधक है भगवान की भक्ति में। फिर आगे उन्होंने कहा है कि सुख दुख में सम रहिए, संतुलन बना करके चलिए। आखिरी शब्द दिया है क्षमी, क्षमावान बने, माफ करना जाने। रिश्तों की गरिमा में क्षमा बहुत बड़ा गुण है, इसे वीरों का आभूषण तो कहा ही गया है। और महाभारत में व्यास ऋषि ने इस पर बड़ा लंबा चौड़ा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि क्षमा तीर्थ है, क्षमा धर्म है, क्षमा से बढ़कर तब कुछ भी नहीं, क्षमा ही महान गुण है, क्षमा परमात्मा को प्रिय है, क्षमा करना आना चाहिए। तो क्षमा के दोनों रूप मैंने आपको बताए, कहाँ माफ करना और कहाँ नहीं करना है। गलतियाँ ढूंढना भी आना चाहिए, गलतियाँ दूर करना भी आना चाहिए, लेकिन हर पल देखिए 3 लोगों को गलतियाँ निकालने का अधिकार जातर दिया गया है। राजा के मंत्री को कहा गया है, वैद्य को कहा है, डॉक्टर को कहा है, और टीचर को कहा है, शिक्षक को। माता पिता भी जो है शिक्षक है, गुरु शिक्षक है, इन सबको अधिकार दिया गया है कि इनका ध्यान गलती पर ही जाना चाहिए, बाकियों को नहीं। डॉक्टर का ध्यान तुरंत इसी बात पर जाए कि गलती कहाँ आई, किस वजह से रोग आया। शिक्षक भी जब पढ़ाता है तो कॉपी चेक करता है, तो पूरा ध्यान ही गलती पर जाना चाहिए, मात्रा से लेकर के लिखने तक भाव जो बताया गया उसको व्यक्ति बच्चा समझता है नहीं समझता है, एक एक चीज पर। कोई भी सवाल दिया गया उसका जवाब, उसका समाधान, उसका जो आंसर लिखा गया है, गलत कुछ भी है, एकदम ध्यान वहीं जाना चाहिए। उसको जो है रेड मार्क लगाकर गोल घेरे में लेकर गलतियां निकाले, समझाए, क्योंकि त्रुटियों को पकड़ेगा तभी वो त्रुटि रहित जिंदगी जी सकेगा। ये सारा टीचर के भी जिम्मे है, और यही बात राजा के मंत्री को है अधिकार, और यही बात डॉक्टर को भी कही गई। बाकियों को कहा गया है कि आपका काम गलती निकालना नहीं है, और अगर निकालना है तो पहले शुरुआत अपने से करना है। उर्दू के एक शायर की पंक्ति याद कर लीजिए, दूसरों की तरफ उंगली उठाने को बोलते हैं अंगुस्त नुमाई। तो जो औरों की तरफ करता है अंगुस्त नुमाई, उंगली उठाता है, तू जो औरों की तरफ करता है अंगुस्त नुमाई, देख 3 झुकी हैं तेरी तरफ। 3 उंगलियां तो पहले तुम्हारी तरफ झुकी हुई हैं, पहले अपने आप को देख,
अपनी वाणी को, अपने बोलने को, अपने करने को, अपने मन को, तो हरेक व्यक्ति को पहले सुधार खुद से शुरू करना चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.विश्वजागृतिमिशन.org।